नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विप्रेश माथुर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने हंगामे की रणनीति बना ली है, सदन से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है। ये देखिए तस्वीरें, प्रोटेस्ट हो रहा है संसद से लेकर सड़क तक। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज देश भर में कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है। और देखिए सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार जानबूझकर इस मामले में चर्चा नहीं चाहती, जांच नहीं चाहती। दरअसल विपक्ष की मांग है कि सदन में चर्चा हो और जेपीसी का गठन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। LIC और SBI के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में कांग्रेस का देश भर में प्रोटेस्ट। तमाम जितने भी LIC और SBI के दफ्तर हैं उनके बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बजट पेश होने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि हंगामा ना हो। मेरा नाम कुणाल सरावत, मैं NSOI का अध्यक्ष हूं। दीपक दुबे और पल्लवी झा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, प्रोटेस्ट कांग्रेस का शुरू हो चुका है, अभी इस वक्त आप कहाँ हैं और प्रोटेस्ट की कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पड़पड़गंज में और यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अलग अलग स्लोगन के तहत यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पहले स्लोगन हम दिखाने की कोशिश करते हैं। LIC SBI हमारे देश का गौरव है, इन्हें अडानी को फायदा पहुंचाने का जरिया न बनाओ, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता है सभी इकट्ठा हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पर SBI के दफ्तर के प्रोटेस्ट कर रहे, क्या कुछ मांग है आपको? आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटियां जिले वाइज ये प्रदर्शन हमने SBI के जो ब्रांचेज हैं, जो LIC की ब्रांचेज हैं, वहां पे रखा हुआ, जिससे कि हम मोदी सरकार को जगा सके कि जिस तरीके से जो गरीबों का पैसा, जो मिडिल क्लास का पैसा है, किस तरीके से अपने दोस्तों को दे रहे हैं। LIC में पहली बार ऐसा हुआ है कि हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, LIC जिस तरीके से लॉस में आई है, जिस तरीके SBI बैंक में लॉस में आए हैं, तो उससे लगता है कि मोदी सरकार अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए इस किस्म के हथकंडे अपना रही है, जिससे गरीब आदमी का पैसा सारा का सारा सफाया हो जाए और उसके आदमियों को फायदा पहुंच चुके। उसी के खिलाफ आज हमने AICC के द्वारा हमारे पूरे हिंदुस्तान में हर जिला हेडक्वार्टर, जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हर बैंकों के वार स्तरीय प्रदर्शन रखा है और धरने दे रहे हैं कि जिससे कि हम जो आम हमारी जनता है उसको बचा सके कि किस तरीके से मोदी सरकार आपकी जो महंगी कमाई है, गाड़ी कमाई है, उसका दुरुपयोग कर रही है और अपने साथियों को फायदा देके आपके पैसे का दुरुपयोग कर रही है। उसी की आज हम मांग करें, जो मोदी हर बात पे बोलता है, हर बात पे कोई ना कोई बात लेके आता है, आज इस तरीके का इतना बड़ा जब घोटाला हो गया है, उसने आज तक चुप्पी साधी हुई है ना बोला। आखिर SBI के बाहर, LIC के बाहर प्रोटेस्ट करने से लगता है कुछ इसका परिणाम निकलेगा कि सरकार से सवाल पूछना है तो सरकार से आपके तमाम बड़े नेता सवाल पूछ रहे हैं? देखिए, हम लोग आज SBI के बाहर खड़े हैं। हम इस बैंक से पूछना चाहते हैं, अगर जनता जो अपनी गाड़ी कमाई को यहाँ जमा करती है, ये सरकार के पास जमा करती है, सरकार का इन्हीं पैसों से देश में या क्षेत्र में तरक्की की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाता है। आज मजबूत किसको किया जा रहा है? आज मजबूत मोदी जी अपने अडानी जी को कर रहे हैं। क्या जिस तरह की परिस्थिति आई है, LIC हो या फिर SBI को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप पर, तो ऐसे में क्या आम जनता का विश्वास LIC पर, SBI पर या अन्य सहकारी बैंक पर बना हुआ है उसी तरह से जैसे पहले था, या फिर डगमगा चुका है विश्वास अब इस तरह के हालात में? आम जनता ये पूछना चाहती है सरकार से कि ये जो घोटाले कर रहे हैं ये मोदी के चहेते ही क्यों हैं? जितने भी घोटाले हुए हैं वो सारे मोदी के चाहने वाले हैं। राहुल गांधी जी शुरू से कहते आए हैं कि अदानी अंबानी, ये दो लोगों को पैसा दिया जा रहा है और खुले दोनों हाथों से इनको पैसा दिया गया। जो आज घोटाला हुआ है वो इसी चीज को जनता पूछना चाहती है कि आखिर मोदी के चहेते ही घोटाले क्यों कर रहे हैं।
क्या आप लोगों की जब सरकार थी तो जिस तरह के घोटालों का उजागर हुआ था, क्या आप उसका बदला लेने के लिए सरकार को घेरने की कोशिश करें, क्योंकि आप अब विपक्ष में हैं, ये भी सवाल उठ रहा है। जिन जिन लोगों ने कांग्रेस पे घोटाले के आरोप लगाए, आज तक कोई भी उन आरोपों को साबित नहीं कर पाया है, चाहे वो आप पार्टी है, चाहे बीजेपी है, कोई भी है। जिन जिन ने कांग्रेस के पे आरोप लगाए, चाहे शीला दीक्षित पे लगाए, चाहे केंद्र सरकार पे कांग्रेस पे लगाए, लेकिन आज तक एक भी घोटाला नहीं निकला है, सारे झूठ निकले हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी और आपके घोटाले रोज सड़कों पे आ रहे हैं। ठीक है दीपक, आप लोग सड़कों पे आए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।